पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शांतिवन में जुटे देश भर के समाज सेवी, हरियाणा के राज्यपाल ने किया उद्घाटन। निस्वार्थ समाज सेवा का आह्वान। सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए संस्था को मिला ग्लोबल CSR अवार्ड। मुंबई के ताजलैंड होटल में सैकड़ों प्रतिनिधियों के बीच मिला सम्मान। हृदय रोगियों के लिए शांतिवन में कैट कार्यक्रम का आयोजन। हृदय रोग से बचने के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की अपील। अजमेर के नवावेरा में खुला वैल्यू एजुकेशन सेंटर। युवाओं को मूल्यों से जोड़ने का होगा प्रयास। संस्था के शिक्षा प्रभाग की पहल। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन। एकता के लिए एक मंच पर आने का आह्वान। यूपी के आजमगढ़ में ग्रामीण विकास अभियान, किसानों को यौगिक खेती के लिए किया प्रेरित। मऊ में भी कृषि अधिकारियों को दी शाश्वत यौगिक खेती की जानकारी। और बहरीन में राजनीतिक के साथ धार्मिक प्रतिनिधियों के लिए कार्यक्रम। आंतरिक सशक्तिकरण के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। पंजाब व हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी एक दिवसीय दौरे पर आबू रोड पहुंचे। आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी पर पहुंचने पर संस्था के सूचना निदेशक बीके करुणा, शांतिवन प्रबंधक बीके भूपाल, जिला कलेक्टर वी सरवन कुमार, पुलिस अधीक्षक समीर कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निर्मला विश्नोई, SDM एच गुएटे, पालिका उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी एवं स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। ब्रह्मकुमारी संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके अमीरचंद, नेपाल लॉयंस इंटरनेशनल गवर्नर के झोरी समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। समाज सेवा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल सोलंकी ने कहा कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और समाज की सेवा करने से पुण्य कमाया जा सकता है। ब्रह्मकुमारी संस्था का कार्य मनुष्य को मनुष्य बनाना है, यही सही मायनों में सच्ची समाज सेवा है। भारतवर्ष को फिर से उसी ऊंचाई पर ले जाना है जिस पर पहले विश्व में था, पहले विश्व का गुरु था, जिसको आध्यात्मिक शिक्षा देता था, शांति का पाठ पढ़ाता था, करुणा और दया का पाठ पढ़ाता था। उस तरफ अगर भारतवर्ष को एक ही स्तर में ले जाना है तो समाज सेवा की, सोशल सर्विस की बहुत जरूरत है। समाज सेवा में पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए भी अतिथियों ने समाज सेवियों से आह्वान किया। कार्यक्रम के पश्चात राज्यपाल सोलंकी ने संस्था प्रमुख दादी जानकी से मुलाकात की तथा कुशल क्षम पूछी। इसके साथ ही संस्था की गतिविधियों की जानकारी भी ली। इस सम्मेलन में समाज सेवा से जुड़े भारत व नेपाल के हजारों समाज सेवियों ने भाग लिया। ग्लोबल CSR हर साल दुनिया में सामाजिक दायित्व पर कुशलता से काम करने वाली कॉरपोरेट एवं व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है। इस साल ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अपने सामाजिक दायित्व के उपयोग के द्वारा सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 18 फरवरी 2015 मुंबई के ताजलैंड होटल में दिया गया, जहाँ दुनिया भर से हजार व्यापारियों और कंपनियों के उद्योगपति उपस्थित हुए। पिछले वर्ष संस्थान का लॉर्सन एंड टुब्रो के साथ ऊर्जा संरक्षण के लिए CSR के तहत MOU हुआ था, जिसमें संस्थान पहल करते हुए ऊर्जा संरक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को बड़ी सफलता के साथ पूरा कर रही है, जिसके तहत ये अवार्ड दिया गया। इसके कोऑर्डिनेटर बीके यशवंत हैं तथा कार्यकारी अधिकारी बीके हरिलाल के निर्देशन में इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संस्था के शांतिवन परिसर में हृदय रोगियों के लिए आयोजित कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता ने कोरोनरी हार्ट डिसीज के बारे में पूरी जानकारी देते हुए कहा कि हृदय रोग एक लाइलाज बीमारी नहीं है,
इसके लिए जरूरी है कि खान पान परहेज के साथ राजयोग को जीवन में स्थान दिया जाए। जो इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है वो है हेल्दी मीन्स हील डाई। हील डाई माना कि आप स्वयं अपने हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। आपकी सोच, आपका खान पान, आपका जीवन शैली, उससे हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, उससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बीमारियां होती हैं। और अगर हमें अपने इनको ठीक करना है, सभी जीवन शैली रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उनको ठीक करना है, तो हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। कई दिनों तक चले इस कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने काफी हद तक अपने स्वास्थ्य को बेहतर महसूस किया। इस कार्यक्रम के दौरान उनकी पूरी दिनचर्या का ध्यान रखते हुए सकारात्मक सोच एवं मेडिटेशन के लिए प्रेरित किया जाता है। यह कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है, जिसमें अब तक 3000 से भी ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। यहाँ मैं जो जब पहले 5 दिन पहले आई थी तो मैं चल भी नहीं सकती थी, थोड़ा सा चलती थी तो मुझे थकन बहुत महसूस होती थी और मुझे हाफ वो चढ़ता था। ऐसे मुझे एक बार अटैक आ गया था, मैंने कैड का प्रोग्राम अटेंड किया था, यहाँ आके 5 दिन फिर से किया तो मेरी थकावट भी दूर हो गई और मैं ज्यादा से ज्यादा चल सकती हूँ। अजमेर नवाब के बेरा में ब्रह्मा कुमारीज वैल्यू एजुकेशन सेंटर के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बी के मृत्युंजय, हांगकांग के नोटेड उद्योगपति अर्जुन दास एच मेलवानी, नोटेड महिला उद्योगपति मीनू एच मेलवानी, ज्ञान अमृत पत्रिका के प्रधान संपादक बी के आत्मप्रकाश, अजमेर सब जोन प्रभारी बी के शांता समेत कई गणमान्य लोगों ने अनावरण कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी ने दीप जलाने के साथ केक काटकर खुशियां मनाई। कार्यक्रम में संस्था के युवा प्रभाग की अध्यक्षा दादी रतन मोहिनी ने कहा कि आज के युवाओं में भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की अति आवश्यकता है। ऐसे में इस मूल्यनिष्ठ शिक्षा सेंटर से युवाओं के अंदर मूल्यों का विकास होगा। हम सिंधी लोग को बहुत डर था कि ओम मंडली वाले जादू डालते हैं, कुछ कुछ करते हैं, लेकिन मैं इतना बताऊंगी आप सबको कि इनका जादू ये है कि बहुत 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 अनसेल्फिश, बिल्कुल कोई मतलब से नहीं, प्यार देते हैं, सेवा करते हैं, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार हम अपने पिता की आज्ञा को मानकर उस श्रेष्ठ दुनिया स्वर्ग में चलने के अधिकारी स्वयं को बनाए। और रुद्र है ऐसे समय पर जैसे विद्या, शिक्षा व वरदान दोनों के इंसान को, जिसके माध्यम द्वारा मनुष्य महामनुष्य बन सकता है, देव मनुष्य बन सकता है, पूजनीय बन सकता है, ऐसी दैवी शिक्षा देने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वैल्यू एजुकेशन सेंटर के रूप में स्थापित हो रहा है। इस सेंटर पर कई तरह के कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, मेडिटेशन रिट्रीट्स आदि आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस अवसर पर बी के मृत्युंजय ने सेंटर पर कराए जाने वाले आध्यात्मिक कार्यक्रमों के विषय पर चर्चा की। आबू रोड में ग्लोबल हॉस्पिटल के नर्सिंग कॉलेज में 4th लैंप लाइटिंग सेरेमनी मनाई गई। इस अवसर पर पटियाला के नर्सिंग कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर के जौहरी, संस्था के कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय, शिवमणि के निदेशक बी के ओम, नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य शशि बाला समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने कहा कि इस प्रोफेशन में सेवा की भावना से कार्य करने पर और राजयोग ध्यान द्वारा दिन की शुरुआत करने से सफलता पाई जा सकती है। की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारी
जो भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या का बहुत जो रेशियो है नेशनल लेवल पे सभी स्टेट में बहुत कम हो रही है, मेल फीमेल रेशियो बहुत कम हो रही है। तो ये जो ऐसी बढ़ाई आ रही है इस प्रोफेशन में, तो इनको भी अवेयरनेस तो हम लोगों ने क्रिएट करनी है, तो अवेयरनेस तो हम ही क्रिएट करेंगे कि कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने कैंडल जलाकर सत्यता और सेवा की भावना द्वारा समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र के जलगांव में अंतर जगत की यात्रा विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जलगांव महानगर पालिका की महापौर राखीताई सोनवड़े, नगर सेवक नरेंद्र भास्कर राव पाटिल, पतंजलि योग समिति के जिला अध्यक्ष हेमंत चौधरी, जिला पुलिस अधीक्षक नंद कुमार ठाकुर, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के उषा, सब जोन प्रभारी बी के मीनाक्षी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके उषा ने कहा कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर मन को उसमें एकाग्र करने से आत्मा के गुणों का विकास होता है। जैसे कहा जाता है, as you think, so you become. जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो चिंतन से ही हम अपनी ऊर्जा को भीतर से विकसित कर सकते हैं या भीतर से उसको बाहर ला। कोलकाता के ज्ञान मंच में ब्रह्मा कुमारीज के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन ऑल फेथ फोरम के उपाध्यक्ष मौलाना अथर अब्बास रिजवी, कोलकाता के पूर्व बिशप PSP राजू, इमाम ऑल अकेडमी के प्राचार्य मौलाना अब्बास अली जैदी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के कानन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के मुन्नी समेत कई विद्वानों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा कलाकारों ने यह स्मृति दिलाई कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब स्वयं भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अपना परिचय वह स्वयं आकर देते हैं। इसके साथ ही नृत्य व गीतों के माध्यम से परमात्मा का परिचय भी दिया गया। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा। इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने परमात्मा को एक बताते हुए अनेकता में एकता की बात कही तथा समाज के उत्थान के लिए मूल्यों को धारण करने पर जोर दिया। साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी संस्था द्वारा दिए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान की सराहना करते हुए उसे जीवन में अपनाने की अपील की। जीवन में सभी लोगों का साथ, हम लोग एक साथ मिलके जाने के लिए सभी लोगों को दया, आदर, करुणा, ये सब तो हम लोगों के पास होना चाहिए। ये दया, आदर, करुणा हम लोगों के पास रहने से सभी लोगों को मिलकर बहुत कुछ कर सकते। भारत हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब सब और सब एक ही, ये सबको जन्म दिया है। सबके सिर्फ ये अलग बात है कि हमने एक दूसरे को अपने से अलग कर रखा है, मतलब उसने किसी को अलग नहीं किया, सब एक है, सबको एक ही बात आना। चाहे वो अपने मरने वाले को जला देता हो, चाहे वो अपने मरने वाले को दफना देता हो, लेकिन जब उससे पूछो भाई कहाँ गए, कहने ऊपर है, नीचे तक नहीं किया, एड्रेस बताया वो चले। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सेवा केंद्र द्वारा धन सिंह मैदान में सर्व कल्याणकारी ईश्वरीय अनुभूति मिलन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में श्री कृष्ण की जीवन कहानी से संबंधित कई झांकियां लगाई गई। कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंगम की झांकी का भी आयोजन किया गया।
इस सुंदर झांकियों से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, जबकि देवता और मनुष्य हमेशा जन्म मरण में आते हैं। इस मेले में मेडिकल, मीडिया, धार्मिक, युवा, महिला, सांस्कृतिक तथा व्यापार एवं उद्योग प्रभाग से जुड़े लोगों के लिए भी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मेडिकल प्रभाग के उद्घाटन में नगर पालिका के उपाध्यक्ष चित्रंजन मंडल, समाज सेवी प्रदीप कुमार पाल, फायर ब्रिगेड अधिकारी सतदल बैनर्जी, पश्चिम मिदनापुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के अल्पना, बी के धनंजय समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। वही धार्मिक प्रभाग द्वारा आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में चैतन्य आश्रम के बामोन महाराज, मौलाना अशरफुर रहमान समेत कई धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीडिया कर्मियों के सेमिनार में प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत समेत कई मीडिया कर्मी शामिल हुए। वही महिला प्रभाग, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग, युवा प्रभाग समेत कई प्रभागों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य लोगों ने संस्था द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को अर्जित कर श्रेष्ठ समाज बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही। मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्र पर महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शिरकत कर संस्था का अवलोकन किया। इस अवसर पर घाटकोपर सब जोन प्रभारी बी के नलिनी ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही अर्थ मंत्री ने राजयोग कक्ष में जाकर ध्यान साधना की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में किसान सशक्तिकरण अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में कृषि उपनिदेशक आरजी सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष दीनू जायसवाल, अभियान दल के सदस्य डॉक्टर सतीश, सेवा केंद्र प्रभारी बी के रंजना, बी के मीता समेत कृषि विभाग के अनेक अधिकारी गणों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान में किसानों को शाश्वत योगी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और किसानों को उनके सशक्तिकरण की प्रेरणा दी गई। ऐसे ही मऊ सेवा केंद्र द्वारा भी किसान सशक्तिकरण का आयोजन किया गया। जिला कृषि भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक आशुतोष मिश्रा, कृषि अधिकारी विकास कुमार पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बी के विमला, राजयोग शिक्षिका बी के रीता मुख्य रूप से उपस्थित हुई। कार्यक्रम के दौरान बीके विमला ने उत्तम खेती के लिए राजयोग का प्रयोग करने की प्रेरणा दी। मुंबई ठाणे के श्रीनगर सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन HFSI लिमिटेड के लॉन में किया गया, जिसमें विधायक अशोक पाटिल, ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुजाता सोपारकर, श्रीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के सीता समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बी के बहनों ने बताया कि कोई भी परिस्थिति तनाव युक्त नहीं होती, बल्कि हमारा नजरिया उसे तनावपूर्ण बनाता है। साथ ही अन्य अतिथियों ने परिवर्तन को संसार का नियम बताते हुए उसे सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा स्वीकार करने की सलाह दी। कोई भी संसार में सिचुएशन स्ट्रेसफुल नहीं होती है। सिचुएशन इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, पर वो सिचुएशन को हम किस रीति से देखते हैं। चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित BBMB के कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आत्मा की आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए अष्ट शक्तियों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेक्टर 44C सेवा केंद्र प्रभारी बी के कविता ने विभिन्न शक्तियों को स्पष्ट कर समझाया और राजयोग कराकर परमात्मा से संबंध जोड़ने की विधि बताई। इसके साथ ही सेक्टर 27D सेवा केंद्र प्रभारी बी के पूनम ने सभी को साप्ताहिक कोर्स का निमंत्रण दिया तथा इसके साथ ही राजयोग को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी में नव निर्वाचित मेयर का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बी के विमला ने मेयर डॉक्टर स्वाति सदानंद का सम्मान शॉल ओढ़ाकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर स्वाति ने लोगों से महिला सशक्तिकरण के विषय पर चर्चा की।
सूरत के पर्वत सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत पर्वत के कई स्कूलों के बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ज्ञान ज्योति विद्यालय लॉर्ड कृष्णा, भरत विद्यालय समेत कई स्कूलों के बच्चों ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ज्ञान ज्योति विद्यालय के ट्रस्टी लाल कुकरिया, संदीपनी विद्यालय के ट्रस्टी उमेश आहिर, वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बी के तृप्ति ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बी के तृप्ति ने सत्कर्म द्वारा जीवन में दुआएं देने तथा दुआएं लेने के लिए प्रेरणा दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे। गुजरात के कलौल सेवा केंद्र द्वारा छतराल के कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से बी के भगवान ने नैतिक शिक्षा द्वारा कर्म और व्यवहार में सफलता पाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बी के कीर्ति ने विद्यार्थी जीवन में राजयोग का होना आवश्यक बताया। हरियाणा के जींद में ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा कैदियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया। यह अभियान अभी तक 800 जेलों में चलाया जा चुका है। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से बी के भगवान ने सभी कैदियों को बदला लेने की बजाय स्वयं को बदलने की प्रेरणा दी। जेल अधीक्षक डॉक्टर हरीश रंगा ने भी संस्था के कार्यों की सराहना की और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम कराते रहने की बात कही। भारत के 800 जेल में जाकर के इस तरह से कार्यक्रम किए और उनको रेगुलर हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से जो ये राजयोग का अभ्यास और साथ में ईश्वरीय महावाक्य ये ज्ञान जब ये लोग रोज सुनते हैं उनके अंदर काफी परिवर्तन आता है। मेरा ये संदेश है कि जो ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी जींद का जो विश्वविद्यालय है उसकी जो बहनें यहाँ पे आके प्रवचन करती हैं और आज विशेष तौर पर जो माउंट आबू से भगवान भाई आए हैं, इन्होंने जो अपने विचार साझा किए, इन्होंने जो जो बहुत सार्थक और जो जीवन में जो इनके घटित हुई और जो इन्होंने जो कुछ अपने जीवन में सीखा वो यहाँ जो साझा किया है वो सच में एक बहुत ही काबिले तारीफ। हरियाणा के हिसार में सेवा केंद्र के सदस्यों के लिए मनसा शक्ति विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके डॉक्टर सविता ने लोगों को बताया कि मनसा शक्ति को बढ़ाने का एकमात्र साधन है परमात्मा के साथ सच्चा संबंध। इसके लिए राजयोग को जितना जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे उतना ही शक्ति का विकास होगा। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमेश भी उपस्थित थे। नेपाल के बुटवल में त्रिदिवसीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गुडबाय डायबिटीज शिविर में मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बी के कमला समेत कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने सदा स्वस्थ रहने के लिए राजयोग के साथ नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। इस अवसर पर बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य पेश कर अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू का अवलोकन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फरवरी मास में पांडा भवन स्थित ओम शांति भवन का 1,30,510 लोगों ने अवलोकन किया। मुख्यालय अवलोकन में आने वाले विजिटर्स में 131 विदेशी भी शामिल थे। ओम शांति भवन अवलोकन करने के पश्चात 3,850 लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। ऐसे ही मुख्यालय के सबसे बड़े कैंपस शांतिवन का फरवरी मास में 32,970 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें 12,970 लोगों ने गाइड द्वारा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान 813 लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। पीस पार्क अवलोकन करने वालों की संख्या 1,72,000 से ज्यादा थी, जिसमें से 8,011 लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। ऐसे ही सोमनाथ आर्ट गैलरी का फरवरी मास में 4,65,290 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
बहरीन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने पीस विद इन सेल्फ बिगनिंग फॉर वर्ल्ड द पीस रोड टू पीस पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में शहर के कई बड़े प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हुए, जिसमें संस्था की यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बी के जयंती ने लोगों को अंतर आत्मा की शांति की जानकारी दी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।